रविवार की सुबह 1500 से ज्यादा लोगों ने अपने दिल के लिए कदम से कदम मिलाए। मौका था स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलम प्लस मेडसिटी हॉस्पिटल की ओर से आयोजित वॉकाथॉन का। हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजय गुप्ता, नेहा गुप्ता, रामबाबू अग्रवाल और संगीता अग्रवाल ने फ्लैग ऑफ कर वॉकाथॉन शुरू किया। IIS, परिष्कार, रोटरी, जयपुर विजन और जयपुर रॉयल क्लब के एसोसिएशन से आयोजित हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत जुम्बा सेशन से हुई, जिसने सभी प्रतिभागियों को ऊर्जा से भर दिया। इसमें हर उम्र के लोगों ने वॉकिंग की। सभी प्रतिभागियों को आयोजन के दौरान एक विशेष रनिंग टी शर्ट, ब्रेकफास्ट, एनर्जी ड्रिंक्स और एक फिनिशर मेडल दिया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर, डॉक्टर ऋषभ माथुर, डॉक्टर एन के बैरवा और नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक पंचोली ने हार्ट से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में हृदय रोगों के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। आजकल कम उम्र के लोगों में भी हृदय रोग सामने आ रहे हैं। दरअसल खराब खान पान, इनएक्टिव लाइफस्टाइल और तनाव को हृदय रोगों का मुख्य कारण माना जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्वस्थ आहार और एक उम्र के बाद रेगुलर चेकअप द्वारा दिल की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। हॉस्पिटल प्रबंधन से हिमांशु परनामी और डॉक्टर नितिन नेगी ने कहा कि मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल हमेशा से लोगों के स्वास्थ्य हृदय को लेकर प्रतिबद्ध रहा है। इसके लिए समय समय पर इस तरह के फिटनेस एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे लोगों में अपनी फिटनेस के प्रति जागरूकता रहे।